जो ऑलरेडी प्रोवन फैक्ट्स हों इससे हम अपने रिसोर्स हम अपना टाइम और कॉस्ट ये सेव कर सकेंगे और नॉलेज मैनेजमेंट की जो बेसिक बुनियाद है वो भी यही है कि वी डू नॉट नीड टू री इन्वेंट द व्हील वी नीड टू फोकस अपॉन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन उन चीजों पर हम फोकस करें जो हमारे लिए नए तर्ज नए पैमाने और नई जस्तजु वो लेकर आ सकें अब एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लीडरशिप प्रस्पेक्टिव को देखेंगे तो फर्स्ट थिंग इज दैट वी नीड टू लुक के लीडर के पास इंट्यूशन और उसकी इफेक्टिव रीजनिंग वो क्या है वो किन बातों को बुनियाद बनाकर अपनी लॉजिकल बुनियादेशन को पेश करता है और उसका एक्सपीरियंस एक्सपोजर एजुकेशन उनसे उसका जो सिक्स सेंस है जो इंट्यूशनल प्रस्पेक्टिव है वो कैसा डेवलप हो रहा है द सेकेंड थिंग जब हम एविडेंस बेस्ड लीडरशिप की बात करेंगे इज टॉकिंग अबाउट द सोशल प्रेशर्स कि हर लीडर के ऊपर कुछ उसके समाजी प्रेशर ये चीजें देखनी है कि कब कहां क्यों कैसे किन किन इकदाम को उसे लेकर आना है सो so, हर हवाले से को, कॉन्टेक्स्ट को समझना और उसको अप्लाई करना यह लीडरशिप की क्वालिटीज में शामिल है द थर्ड थिंग जब एक लीडर अपने डिसीजन मेकिंग क्रिएटिविटी इनोवेशन की बात कर रहा है तो समाइम उसके पास एविडेंस शवाहद वो मौजूद नहीं होते अब जब उसके पास एविडेंस और शवाहिद मौजूद नहीं होंगे तो उसके डिसीजन मेकिंग में ऑप्टिमाइजेशन कम हो जाएगी डेर फोर उसे कोशिश करनी है कि वो चीजों को हॉलिस्टिकली लेकर चले वो चीजों को इन डेप्थ एनालाइज करे क्रिटिसाइज करे ताकि तमाम परस्पेक्टिव को समझ सके द फोर्थ थिंग जब हम एविडेंस बेस्ड लीडरशिप की बात करते हैं दैट रिलाइंग मोर ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस हर लीडर उसका जो अपना जाती एक्सपीरियंस है जहां जहां पर उसने काम किया जिन जिन में उसने काम किया जिन इंडस्ट्रीज के साथ वो वस्ता रहा सो वहां से वो अपने एविडेंसेस साथ लेकर आता है और उसका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर उसे गाइड कर पाता है कि किन एविडेंसेस को उसे बेहतर तौर पर यूज करना है फॉर द क्रिएटिविटी इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग देयर फोर जब हम एविडेंस बेस्ड लीडरशिप की बात करते हैं तो अगेन वी हैव टू टॉक अबाउट

हमारे पास शेयर में जब विजन होगा शेयर में जब मिशन होगा शेयर में जब हम लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो हम एक्सप्लेटली वाजिया कर पाएंगे कि हमारे मेन मोटिव्स वो क्या हैं और उन मेन मोटिव्स को मद्देनजर रखकर हम अपनी डिसीजन मेकिंग ज्यादा बसानी वो बना सकते हैं इसी के साथ साथ वी हैव टू बी जुडिशियस और जुडिशियस होने के लिए स्टेक होल्डर्स की इंपॉर्टेंस इसको हमें मद्देनजर रखना है और हमें इन चीजों को भी जहन में रखना है कि हमारा प्रोसीजरल जस्टिस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस फेयरनेस के जितने तकाजे तक तमाम तरह इंप्लीमेंट हो सकें स्टूडेंट्स so, अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो हमें यह बात समझ में आएगी कि एक फैसला करने के लिए हम अपने आप को इस तरह से ट्यून करें हम एविडेंसेस को कलेक्ट करें हम प्रॉब्लम की डेप्थ को देखें हम क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के परस्पेक्टिव को समझें और अपने आप को ऐसे ट्यून करें कि जिस तरीके से हम बेहतर नतज हासिल वो कर पाएं। थैंक यू